हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो अज के लैक्चर में आप करांगे एक्सरसाइज 7.2। इस तो पहला वाली वीडियो तुसी होपफुली देख ली होएगी, जिदे विच मैं तुहानू ऑलरेडी दस्या सी वी जिहड़ी अपनी एक्सरसाइज 7.2 आ वह किस बेस्ड रहेगी। एक फॉर्मूला जिसका नाम आ राजे सैक्शन फॉर्मूला, ठीक है। सो स्टार्ट करन तो पहला वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। सो अपने को बच्चे सैक्शन फॉर्मूले बेस्ड ये सारे क्वेश्चन रहेंगे, तो बिल्कुल ईजी रहेगा। चंगे तरीके देखियो, बस एक बार बेसिक्स में चंगे तरीके समझ लियो। सो अपने को सपोज कर लो आह पॉइंट आ कोई ए एक्स वन वाई वन, ठीक है। सिमिलरली इतने एक पॉइंट आ बी जिसके कोआर्डिनेट्स है एक्स टू वाई टू, ठीक है। ओके, सो इतने कोई पॉइंट आ जिहड़ा इन्हां नूं डिवाइड करता गा, सो इसका नाम हैगा पी एक्स वाई, ठीक है। एंड जिनी जिनी रेशो विच डिवाइड करता, सो इस रेशो नूं मैं लिख दिना इतने एम वन एंड इस नूं लिख दिना एम टू, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन थोड़ा ईजी रहेगा, बट थोड़ा एक बार चंगे तरीके समझ लियो तुसी की कहिंदा। सो आपां आह वाले पॉइंट्स फाइंड आउट करने होया करनगे, ठीक है। सो कुछ बुक्स के इतने एम ते एन भी दिता मिलेगा तुहानू, कुछ दे विच एम वन ते एम टू भी, कोई छूनी जिवें मर्जी कर सकते हो। फरदर प्लस वन के अगे जाके हायर क्लासिस एम वन एम टू ही रहेगा। ओके, सो देखो जी एक्स इज इक्वल्स टू, सो सब तो पहला आप आह वाले पॉइंट्स कटने होया करेंगे। एक्स इज इक्वल्स टू एम वन इंटू एक्स टू, ठीक है। एम वन इंटू एक्स टू प्लस एम टू इंटू एक्स वन डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू, सो ये फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। सिमिलरली आप वाई दे कट लें, देखो एम वन दे नाल टू वाला मल्टीप्लाई होएगा कोआर्डिनेट, ठीक है। सो सिमिलरली इतने एम वन इंटू वाई टू प्लस एम टू इंटू वाई वन डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू, ठीक है। सो हुण अपने को पी दे कोआर्डिनेट्स आ गए ना, सो की आ गए पी दे अपने को आ गए एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू, एंड वाई दे किड़े किड़े आ गए अपने को एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू, ठीक है। सो बस आह अपने को सैक्शन फॉर्मूला, इस ला के आप सारी की सारी 7.2 बिल्कुल ईजी हो जाएगी, ठीक है। ओके, सो फस्ट क्वेश्चन देखते हैं एक बार की कहता है। फाइंड द कोआर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ दिस एंड दिस इन रेशियो टू रेशियो थ्री। जिहड़े सैक्शन फॉर्मूले वाले क्वेश्चन होणगे ना, बेसिकली उन्हां दी एक पछाण होएगी, रेशियो की गल पक्का हो रही होएगी, ठीक है। सो अपन उन्होंने कहा है भी दो पॉइंट्स आ, सो ए पॉइंट अपने को माइनस वन कौमा सैवन, तो बी पॉइंट हैगा अपने को फोर कौमा माइनस थ्री, ठीक है। ओके, सो इस ज्वाइन कर दें। उन्होंने आख्या फाइंड द कोआर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स, सो इन दे ज्वाइन रजे इतने कोई डिवाइड करने वाला पॉइंट आ जिसका नाम हैगा पी एक्स वाई, ठीक है। किन्नी रेशो विच डिवाइड करता, टू रेशो थ्री, सो आप कह दें इधरला पार्ट टू है इधरला पार्ट थ्री है, ठीक है। सो हुण तुसीं कंपेयर करके देखो जो आप बेसिक्स किया भी अपनी वैल्यूज की आ रही हैं, साइड पर लिख लिया करो वैल्यूज ज़्यादा वधिया रहेगा। सो अपने को एम वन की वैल्यू कितनी आ रही है टू, एम टू की वैल्यू कितनी आ रही है थ्री, आह अपने को होंगे एक्स वन एक्स टू वाई टू, सो एक्स वन की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस वन, वाई वन की वैल्यू कितनी आ रही है सैवन, एक्स टू की वैल्यू कितनी आ रही है फोर, एंड वाई टू की वैल्यू कितनी है माइनस थ्री। ओके, सो हुण बस आप फॉर्मूले पुट कर दें क्योंकि यही पॉइंट्स तो आप फाइंड आउट करने, उन्होंने कहा फाइंड द कोआर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच ज्वाइन। सो देखो जी एक्स अपने को कि आ जाएगा, फॉर्मूला याद रखियो एम वन एक्स टू, सो एम वन कि दिता हुआ अपन टू इंटू एक्स टू कि दिता हुआ फोर प्लस एम टू थ्री इंटू एक्स वन कि दिता हुआ अपन माइनस वन, ठीक है, डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू यानी कि टू प्लस थ्री। सो यह अपने के लिए हो जाएगा एट माइनस थ्री डिवाइड बाय फाइव,
सो 5 डिवाइड बाय 5 है ना, सो कट होके x की वैल्यू अपने को कितनी आ गई 1, डन होगी ना गल। सो सिमिलरली आप y की वैल्यू कट लें, सो y अपने को कितना आएगा, बिल्कुल उही फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1, y1 कितना 7 डिवाइड बाय 2 प्लस 3, सो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 6 प्लस 21 डिवाइड बाय 5, सो ए हो गया 15 डिवाइड बाय 5, सो कट होके अपने को कितना आ जाएगा 3, सो y दी वैल्यू अपने को आ गई 3। ठीक है, तो अपन उन्होंने की कहा सी कोऑर्डिनेट्स कटो, सो अपने को किड़े आ गए कोऑर्डिनेट्स, सो कोऑर्डिनेट्स आ गए जी अपने को 1, 3। ठीक है, सो यह अपना रिक्वायर्ड आंसर, सौखा लग्या होएगा क्वेश्चन। सो अपन पी दे कोऑर्डिनेट्स कढ़ने लिए कहा सी, किड़े आ गए एक्स की वैल्यू 1 एंड वाई की वैल्यू 3, सो बाकी दे क्वेश्चन भी बिल्कुल इदा ही रहेंगे। सो नैक्सट अपने को सैकेंड क्वेश्चन गिवन है, अपन की कहा हो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सैक्शन। सो इत एक वर्ड आ गया जी, ध्यान नाल देख लियो, ट्राई सैक्शन ऑफ अ लाइन सैगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ओके, सो सब तो पहले आप डायग्राम बनाने हैं, सो डायग्राम दे विच देखो अपने को कुछ इस तरीके का काम आ। सो ए अपने को हैगा 4 ते माइनस 1, ठीक है, उस तो बाद इतने आप पॉइंट बना लें बी, सो ए हैगा अपने को जी माइनस 2 माइनस 3। ठीक है, सो दोनों आप ज्वाइन कर दें, उन्होंने आख्या ट्राईसैक्ट हो रही है, मतलब तीन इक्वल पार्ट्स के वंडी जा रही है। बाईसैक्ट का मतलब होंगे दो इक्वल पार्ट्स एंड ट्राईसैक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स। सो आप इदा करते हैं, इतने एक पॉइंट बना दें पी एंड इतने एक पॉइंट बना दें क्यू। ठीक है, सो आप पी ते क्यू दे कोऑर्डिनेट्स लभने हैं, तो बिल्कुल सिंपल ही रहेगा क्वेश्चन का, बस तुम ध्यान नाल देखो, आह अपने को 1 होगा, आह भी 1 होगा एंड आह भी 1 होगा, बिकॉज ट्राईसैक्ट क्या है, आप रेशो दे विच लैने होंगे ना भी इक्वल ही हो गए सारे। ओके, सो ध्यान नाल देखियो जी, फस्ट ऑफ ऑल आप पहले वाले इस तरीके यूज करते हैं ए पी ते पी बी। ठीक है, सो अपने को जिहड़ा पी वी वाला पार्ट आ 1 ते 1 ये कितना हो जाएगा 2, देखो आह भी 1 आह भी 1, सो ओवरऑल पी वी अपना 2 हो गया ना एंड ए पी अपने को कितना 1। तो इस केस में देखियो रजे अपने को पी दे कोऑर्डिनेट्स कढ़ांगे आप, तो अपने को मैं इतने एक बार वैल्यूज लिख दें, एक्स 1 की वैल्यू अपने को हैगी 4, ठीक है, तो एक्स 2 की वैल्यू अपने को हैगी है माइनस 2, वाई 1 की वैल्यू अपने को हैगी है माइनस 1, तो वाई 2 की वैल्यू अपने को हैगी है माइनस 3। ठीक है, एम 1 की वैल्यू अपने को हैगी है 1, तो एम 2 की वैल्यू अपने को कितनी हैगी है 2। ठीक है, मैं ए पी तो इस ते लगाऊंगा राजे, क्योंकि अपन ना ऑलरेडी उन्हें दिता हुआ ट्राईसैक्ट, ट्राईसैक्ट मतलब ए पी इज इक्वल्स टू पी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू बी, ये उन्हें ऑलरेडी देता अपन। ठीक है, सो ध्यान नाल देखो, सो आप उही फॉर्मूला लगाने जो पहला लगाते सी, आ पॉइंट्स आ सपोज कर लो एक्स ते वाई, पहला आप आ वाले पॉइंट्स कढ़ांगे, सो देखो किन्ने आ जाएंगे अपने को जी, सो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी एम वन एक्स टू, फॉर्मूला याद है ना, एम वन इंटू एक्स टू प्लस एम टू इंटू एक्स वन डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू, सो सेम अपने को कितना बन जाएगा माइनस टू प्लस 8 डिवाइड बाय 3। ठीक है, सो कितना बन गया जी 6 डिवाइड बाय 3, सो यह अपने को आ गया 2, सो एक्स की वैल्यू आ गई 2 एंड वाई कितना आ जाएगा, वाई देख लेने हैं, सो फॉर्मूला याद है एम वन इंटू वाई टू प्लस एम टू इंटू वाई वन डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू 1 प्लस 2, सो ये हो जाएगा माइनस 3 माइनस 2 डिवाइड बाय 3, सो इतों आ जाएगा अपना माइनस 5 डिवाइड बाय 3, सो वाई दे कोऑर्डिनेट्स अपने को की आ गए माइनस 5 डिवाइड बाय 3। ठीक है, सो पी दे अपने को दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए, एक्स का आया 2 एंड वाई अपने को आया 5/3, सो हुण आपां बिल्कुल ईजी कर सकते हैं, सो इसनों आपां पुट्टी कर दें,
सो नवी डायग्राम बना दें एक बार, सो ध्यान नाल देखियो। हुण अपने कोल बिल्कुल पिछली डायग्राम जेकर आपां याद रखिए तां आही रहेगी होएगी पी दे। देखो पी अपने कोल की हो गया टू ते माइनस फाइव बाय थ्री, एंड क्यू अपने कोल किन्ना हो गया, क्यू तां आपां कढ़ना हुण, ठीक है, क्यू नूं आपां एक्स वाई कह दिंदे आ, एंड बी अपने कोल सीगा किन्ना माइनस टू माइनस थ्री। ये वाला पोर्शन आपां छड्ड ही दित्ता क्योंकि लोड ही नहीं। सो हुण देखो जी इन्ना क्वेश्चन रह गया अपने कोल, तो ये आह भी वन ठीक है। तो आप जेकर वैल्यूज़ देखिए एक्स वन की वैल्यू कितनी है टू, एक्स टू की वैल्यू कितनी है माइनस टू, तो वाई वन की वैल्यू कितनी है माइनस फाइव बाय थ्री, ठीक है, वाई टू की वैल्यू कितनी है माइनस थ्री, एम वन की वैल्यू कितनी है वन, ठीक है, एम टू की वैल्यू कितनी है वन। ओके सो बिल्कुल ईजी रहेगा, ध्यान नाल देखियो। सो इत्थे आपां फिर उही काम करते हैं, एक्स ते वाई दी वैल्यू कढ़दे हैं, एक्स अपने कोल कितना आ जाएगा एम वन इंटू, देखो हुण अपने कोल ना दोनों वन वन हो गए तो बिल्कुल ही ईजी हो गया काम, एम वन इंटू एक्स टू प्लस एम टू इंटू एक्स वन डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू, ठीक है। सो कितना हो जाएगा माइनस टू प्लस टू डिवाइड बाय टू। सो अपने कोल कितना आ गया, तो जीरो ही बन रहा क्योंकि उपर अपने कोल की बनी जाता जीरो। सो एक्स की वैल्यू अपने कोल आ गई जीरो, ठीक है। सिमिलरली हुण आपां वाई कढ़दे हां, सो वाई अपने कोल कितना आ जाएगा, उही फॉर्मूला है जी, एम वन इंटू वाई टू प्लस एम टू इंटू वाई वन डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू। सो यह अपने को बन जाएगा माइनस थ्री माइनस फाइव बाय थ्री, ठीक है, ओवर टू। सो इस आप फरदर सॉल्व करांगे, ये हो गया माइनस नाइन माइनस फाइव, सो माइनस फोर्टीन डिवाइड बाय थ्री नीचे आ जाएगा, सो सिक्स हो जाएगा राजी, ठीक है। सो इस जेकर आप देखिए इतने सैवन इतने थ्री, सो वाई की वैल्यू अपने को आ गई माइनस सैवन अपॉन थ्री, ठीक है। सो बस हो गया सॉल्व। हुण अपने कोल क्यू दे कोआर्डिनेट्स किहड़े किहड़े आ गए, क्यू दे कोआर्डिनेट्स आ गए अपने कोल एक्स की वैल्यू जीरो आई सी, तो वाई की वैल्यू कितनी आई माइनस सैवन कॉमा थ्री, ठीक है। सो यही आंसर आ। एंड पी दे कोआर्डिनेट्स अपने कोल किहड़े आए सीगे, सो पी दे कोआर्डिनेट्स आए सी अपने कोल टू कॉमा माइनस फाइव बाय थ्री, ठीक है। सो ईजी सी क्वेश्चन, इदा के क्वेश्चन आ सकते हैं जिदे थोड़ा जहाँ आपको उलझाया हो सकता भी ट्राईसैट की गल दिती हुई सी जिवें, तो उसनों तुसी देखना भी आप किवें सॉल्व कर सकते हैं। पहला हाफ क्वेश्चन सॉल्व कर लो, पहला आप की कीता सीगा ए पी ते पी वी, इसनों आप वन लै लिया इसनों टू लै लिया, इदा क्यों किया क्योंकि आपां आह वाली दोनों वैल्यूज गिवन सीगियां, इन्हों का आप यूज़ कर सकते हैं। बट फिर जो आप आह वाली वैल्यू भी कढ़ ली फिर इसकी लोड़ ही नहीं रही, सो फिर आप पिछले सॉल्व करके ही आंसर कढ़ता, ठीक है। सो नैक्सट आप फोर्थ क्वेश्चन दिता हुआ, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा लंबी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, ईजी आ फिर कर लवेंगे आप, ठीक है। सो फोर्थ क्वेश्चन अपन दिता हुआ फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सैगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। तो सब तो पहला आप सोल्यूशन एक लाइन सैगमेंट बनाने हैं, पॉइंट्स किड़े किड़े ज्वाइन कर रही है माइनस थ्री तो टेन न, एंड बी पॉइंट अपने को सिक्स कॉमा माइनस एट। ओके सो फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सैगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। ओके सो इतने अपने को एक पी पॉइंट आ जिसके ऑलरेडी कोआर्डिनेट्स देते हैं माइनस वन कॉमा सिक्स, जिड़े कि अगे आप फाइंड आउट कर देने, फिर इतने फाइंड आउट की करना फाइंड रेशियो। सो रेशियो जो भी फाइंड आउट करनी हो, सो अपन लैट कर लें, लैट द रेशियो बी के रेशियो वन, ठीक है, लैट कर लिया करो, सो के रेशियो वन। ओके सो हुण जो भी अपनी के दी वैल्यू आएगी ना वह अपनी रिक्वायर्ड रेशियो होएगी, ठीक है। जे अपनी के दी वैल्यू टू आ गई तो टू रेशियो वन, जेकर अपनी सपोज कर लो टू बाय थ्री आ गई तो अपनी रेशियो कितनी हो जाएगी टू बाय थ्री, ठीक है। सो प्लीज़ चंगे तरीके कर लियो। सो अपने कोल फॉर्मूला की हुंदा सीगा, सब तो पहला
सो सैक्शन फॉर्मूला याद है एक्स अपने को एम टू एम वन एक्स टू इंटू सॉरी प्लस एम टू एक्स वन डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू इदा ही हुंदा सीगा ना। ओके सिमिलरली वाई का आप लिखा सीगा वाई का की सीगा एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू। ठीक है तो इसे दे विच बस वैल्यूज पुट करांगे एंड अपना आंसर आ जाएगा। एक बार आप साइड ते लिख लगे भी अपने है की एक्स वन किन्ना अपना माइनस थ्री एक्स टू अपना किन्ना है सिक्स वाई वन अपना किन्ना है टेन वाई टू अपना किन्ना है माइनस एट एंड इत्थे आपां नूं एक्स ते वाई भी दिता होया जो आपां पहलां कढ़दे हुंदे आ आ वाला। ठीक है सो एक्स अपना किन्ना है माइनस वन एंड वाई अपना किन्ना है सिक्स। ठीक है ना सो अगे आपां आ वाले पॉइंट कढ़दे हुंदे आ ना इतों इस तरीके पुट करके हुण इत्थे आपां नूं ये दिते हुए है तो एम वन किन्ना है एम वन अपने कोल हैगा के ते एम टू अपने कोल किन्ना हैगा वन। सो वैल्यूज पुट कर दिंदे आ आंसर आ जाएगा। सो एक्स की थान पर कितनी वैल्यू पुट करिए माइनस वन इज इक्वल टू एम वन की थान पर के इंटू एक्स टू की जगह पर सिक्स प्लस एम टू की जगह पर वन इंटू एक्स वन अपने को माइनस थ्री डिवाइड बाय के प्लस वन। ठीक है सिमिलरली आप वाई की वैल्यू कढ़ते हैं सो वाई आपको कितना दिता हुआ इतने सिक्स इज इक्वल टू एम वन किन्ना अपने को के इंटू वाई टू हैगा जी माइनस एट प्लस एम टू अपने को वन है तो वाई वन अपने को किन्ना है टेन डिवाइड बाय के प्लस वन। सो हुण आपां दोनों साइड्स से सॉल्व करते हैं तो देखो ध्यान नाल किन्ना आएगा सो यह अपने को उधर जाके की हो जाएगा माइनस के माइनस वन इदा ही बन जाएगा ना इस नाल मल्टीप्लाई होएगा जदों क्रॉस मल्टीप्लाई। सो आह अपने को किन्ना बन गया सिक्स के आह अपने को किन्ना हो गया माइनस थ्री। सो इस नूं फरदर सॉल्व करांगे पहले इधरले दा भी कर दिए सो यह इधर मल्टीप्लाई हो गया किन्ना हो गया सिक्स के प्लस सिक्स इज इक्वल टू माइनस एट के प्लस अपने को आ गया टेन। तो दोनों थावों तो आप के की वैल्यू कट लगे सेम ही आएगी जितों मर्जी कट लो दोनों तो कटना दोनों तो कट दो तो ध्यान ना देखियो। सो आप इदा करते हैं के नूं उधरली साइड पर लै जाने सो माइनस वन माइनस थ्री इधर आके हो गया प्लस थ्री इज इक्वल टू के उधर जाके की हो गया सिक्स के प्लस के। ठीक है सो इतों अपने को बन गया टू इज इक्वल टू सैवन के तो के की वैल्यू अपने को कितनी आ गई टू ओवर सैवन। ठीक है ना तो सेम वैल्यू इतों आएगी देखो ध्यान नाल। सो आप इदा करते हैं एट के नूं इधर ले आने सिक्स के प्लस एट के इज इक्वल टू सिक्स उधर जा उड़िया टेन माइनस सिक्स ये वाला सिक्स उधर चल गया ना सो इतों अपने को कितना बनया फोर्टीन के इज इक्वल टू फोर। सो के की वैल्यू कितनी आ गई फोर ओवर फोर्टीन यानी कि टू ओवर सैवन तो यही वैल्यू आप पहला कही सी। सो आप लिखते हैं एंड ते हैंस आवर रिक्वायर्ड रेशियो इज टू रेशियो सैवन। ठीक है सो मैं इतने लिख दिना हैंस रिक्वायर्ड रेशियो इज टू रेशियो सैवन। सो यही अपना आंसर। ठीक है हुण कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे भी सर ये तो कल अपनी के दी वैल्यू आई है बट नहीं बिल्कुल सेम है जो आप करके देखा ना फरदर यही चीज़ बनेगी अपनी। ठीक है सो जेकर अपनी के दी वैल्यू सिंपल आ रही है जिमें नॉर्मल नैचुरल नंबर जिमें टू आ गई या थ्री आ गई फिर तो आप लिखते हैं के दी वैल्यू थ्री है तो यह अपने को वन है जेकर अपने को ऑलरेडी यह एज आ रैशनल नंबर आ गई तो आप सारी रेशो में की लिख देंगे भी जो के दी वैल्यू होगी उ अपनी रिक्वायर्ड रेशो होगी। ठीक है सो नैक्सट आपां नूं फिफ्थ क्वेश्चन दिता होया फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सैगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। सो सब तो पहला आपां पॉइंट्स बना लगे सो इत्थे अपने कोल ए पॉइंट हैगा वन कॉमा माइनस फाइव एंड बी पॉइंट हैगा माइनस फोर कॉमा फाइव। ठीक है
ओके इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस तो एक्स एक्सिस आप ऑलरेडी करते होंगे शुरू तो ही तो एक्स एक्सिस की होंगे जिद वाई अपना की होंगे जीरो सो अपने को इतने सपोज कर लो डिवाइड हो रहा इन्होंने आख्या ना इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस सो आप इतने पी बना लें एक्स एक्सिस आ सो अपने को पॉइंट्स केड़े केड़े आ गए एक्स कॉमा अगे वाई लिखते होंने ना बट वाई इतने अपना की है जीरो ठीक है ना सो अपन पता ही है ना जो भी एक्स एक्सिस हो वाई जीरो होंगे जेकर वाई एक्सिस हो एक्स जीरो होंगे ओके सो रेशियो फाइंड आउट करनी है तो आप इतों तक ही करते हैं एक बार क्वेश्चन उस तो बाद उन्होंने कहा आलसो फाइंड द कोआर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन मतलब कि एक्स की वैल्यू सो जिहड़े आपां पहला सम करते आ रहे हैं दोनों इको सम च दिते हुए है सो सब तो पहला आप रेशियो फाइंड आउट करनी है तो की करांगे लैट रेशियो वी के रेशियो वन ठीक है सो इधर आप के कहता इधर वन कहता तो हूँ अपने को हो जाएगा हमने आप करके हटे हैं सो एक्स की वैल्यू किमें कढ़ांगे सो एक्स इज इक्वल्स टू एम टू या एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू है ना एंड वाई की वैल्यू किमें कढ़ांगे एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन डिवाइड बाय एम वन प्लस एम टू साइड ते वैल्यूज लिखनिया तो लिख लें तो अपने कोले एक्स वन की वैल्यू कितनी है वन एक्स टू की वैल्यू कितनी है माइनस फोर वाई वन की वैल्यू कितनी है माइनस फाइव वाई टू की वैल्यू कितनी है फाइव तो अपने कोले जी एक्स की वैल्यू तो एक्स ही है एक्स की थान एक्स ही पुट करना एंड वाई की थान की पुट करना आप जीरो तो होर भी दिते हुए है एम वन कि अपने के एम टू अपने को वन इदा ना अपना थोड़ा सौखा हो जाता गलती होने के चांस घट जाते हैं सो एक्स इज इक्वल्स टू एम वन देखो किन्ना एम वन हैगा जी के एक्स टू किन्ना एक्स टू हैगा माइनस फोर प्लस एम टू किन्ना वन एक्स वन किन्ना वन सो अपॉन दे विच के प्लस वन हुण इधर तो आप कुछ कर ही नहीं सकते ठीक है इधरले पासे जो आप पुट करते हैं वाई तो एम वन किन्ना देखो वाई की थान पर आप लिख सकते हैं जीरो वाई की ऑलरेडी अपन वैल्यू दी हुई है सो इतने आप लिख दें जीरो हूँ अपना क्वेश्चन सौखा हो जाएगा एम वन कि देखो के इंटू वाई टू कि अपने को फाइव प्लस एम टू कि वन इंटू एम वाई वन कि माइनस फाइव ठीक है अपॉन्च के प्लस वन सो इधरले पास्यों अपने को ईजी सॉल्व हो जाएगा जेकर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो अपने को कि बन जाएगा आह हो जाएगा जीरो इधर मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा जीरो इज इक्वल्स टू फाइव के माइनस फाइव ठीक है सो अपने को फाइव उधर चल गया फाइव के इज इक्वल्स टू आ गया फाइव दे ठीक है तो के की वैल्यू कितनी आ गई अपने के की वैल्यू आ गई फाइव ओवर फाइव यानी कि के अपने को आ गया वन ठीक है सो अपनी रेशो कितनी आ गई सो मैं इतने लिख देना थस required ratio is वन रेशो वन ठीक है के दी वैल्यू वन आ गई दूसरी तो वन ऑलरेडी सी हुण आपां नूं उस तो बाद उन्होंने कहा सी आलसो फाइंड द कोआर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन सो देखो जी एक कोआर्डिनेट तो आपां नूं पता ही सी जीरो आ दूसरा आपां आह वाला कढ दिंदे आ तां जिहड़ी के दी वैल्यू आ इत्थे पुट कर दिंदे आ सो एक्स इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी आई है वन सो आह वाली वैल्यू आप चाह के इतने पुट करते हैं वन माइनस फोर प्लस वन इंटू वन सो वन प्लस वन सो एक्स अपने को आ गया माइनस फोर प्लस वन डिवाइड बाय टू सो यानी कि माइनस थ्री ओवर टू ठीक है सो अपने को कोआर्डिनेट्स की आ गए पी पी दे कोआर्डिनेट्स देखो माइनस थ्री बाय टू एंड जीरो सो यह अपना आंसर ठीक है।